हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। लॉकडाउन का टाइम है, घर से तो बाहर कहीं जा नहीं सकते, गर्मी बढ़ रही है डे बाय डे। तो गर्मी में हर किसी का मन जूस पीने का तो करता ही है, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक तो बनती है। तो आज की रेसिपी हमारी कुछ ऐसी है जिसमें हम एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाएंगे, जूस बनाएंगे बेसिकली, और इस जूस का नाम है फ्रेश टोमेटो कोरिएंडर जूस। तो करते हैं रेसिपी को शुरू बिना किसी देरी के। आज जो हम रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने जा रहे हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है मिंट, पुदीना। तो ये हमें लेना है 1 टीस्पून चॉप्ड, फाइन चॉप। दरआफ्टर हमारे पास आता है सॉल्ट, नमक, ये भी 1 टीस्पून। उसके बाद कोरिएंडर, धनिया, ये भी 1 टीस्पून। उसके बाद शुगर, चीनी, ये भी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ब्लैक पेपर, इसे हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके बाद 2 से 2.5 हमें नींबू चाहिए, इसका जूस चाहिए स्पेशली। और एट द लास्ट हमारे पास ये आते हैं टोमेटोस, जो हमारे ड्रिंक का बेस है, जो हमारे जूस का बेस है आज के। बेसिकली हमें करना क्या है, इसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ से पहले कट करना है। देन आफ्टर हमें यहाँ से एक क्रॉस कट लगाना है। उसके बाद हमें इसे करना है ब्लांच। बेसिकली ब्लांच में होता क्या है, ब्लांच में हमें पानी गर्म करना है एक सॉस पैन में, या किसी भी बर्तन में आप पानी गर्म कर सकते हो जिसमें कि ये टमाटर डूब जाए। उसके बाद तब तक गर्म करना है जब तक ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, इनके हमें पील करना आसान हो जाए मतलब। तो उतना टाइम के बाद हमें इसे निकालना है, पील ऑफ करना है, देन उसके बाद हमें इसे ग्राइंडर में डाल देना है। आफ्टर ग्राइंडिंग जो टोमेटोज हैं हमारे, हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेंगे। आप ग्राइंडिंग के लिए मिक्सी का या फिर हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें इसे स्ट्रेन करना है ताकि जो सीड्स हैं टोमेटो के वो अलग हो सकें। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टी स्ट्रेनर हमारे ग्राइंडेड टोमेटो को स्ट्रेन करने के लिए। सो बेसिकली ये देखो, जूस उसका अलग से आ गया है और ये हमारा उसका पल्प अलग से रह गया है। तो गाइस, अब हमारा जो मेन काम है वो हमारा काम है अपने सभी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना, और वो हम करेंगे इस मिक्सर की मदद से। तो मैं एक ही करके सभी इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर, देन कोरिएंडर, देन मिंट, सम सॉल्ट, और अभी लास्ट में हमारा लाइम जूस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब गाइस, कंबाइन करने के लिए इसमें जूस ऐड करूंगा, लेकिन वो भी हल्का सा, हमें ज्यादा जूस ऐड नहीं करना है। बस तो पहले अब इतना जूस डाल दें इसमें टोमेटो का और इसे ग्राइंड करने एक बार। सो इसे थोड़ा सा घुमाने के बाद 10 से 15 सेकंड के बाद हम इसमें पूरा जूस ऐड कर देंगे। बेसिकली हम सारा जूस इसमें पहले ही ऐड कर सकते थे, बट उसे ना ऐड करने का रीज़न ये था, इसमें हमने चीनी यूज़ की है और सब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर मैं जूस इसमें पहले ही ऐड कर देता तो सारी लिक्विड फॉर्म के कारण वो आपस में मिक्स ना हो पाते और वो आपको जो प्रॉपर टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो ना मिलता। तो इसलिए हमें पहले इसमें थोड़ा सा जूस ऐड किया। गाइस, मेरी ड्रिंक तो बन के तैयार है, मैं टेस्ट करता हूँ उसकी। गुड, अच्छी बनी है। बड़े अच्छी तब बनेगी जब आप इसे बनाएंगे खुद और अपने घर पे। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।